हम जा कहाँ रहे हैं भाई? मॉल में। मॉल में कोई खास चीज लेनी है? भैंस लेने, भैंसों की सेल लगी है ना। मेरी बात सुन, जैसे मैंने तेरे हलक में हाथ डाल के तेरे प्यार को अंदर से बाहर निकाला है, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है तेरी ऐश्वर्या के साथ भी। उसे भी बियर पिलाएगा क्या? नहीं, उसे उगलवाने के लिए बीड़ी पिलाऊंगा। यार मजाक करता है, मजाक करता है। मजाक नहीं, सीरियस हूँ। एक बार तेरा सेट हो जाए फिर मैं बन जाऊंगा पीपीयू वाला। पीपीयू? हाँ, तो प्यार का पोपट उड़ाने वाला। मैं समझा नहीं। अरे समझने के लिए पंछियों से प्यार होना चाहिए, तू तो गधे को भी नहीं समझ पाता। चल ठीक है, फिल्म स्टाइल में समझाता हूँ। लव के लिए कुछ भी करेगा। पर लव के लिए कुछ क्यों करेगा? आज इस मॉल के अंदर तेरी प्रेमिका और उसकी दोस्त कुंगफू पांडा हमेशा की तरह विंडो शॉपिंग करने आए हैं। तू जाकर उनसे मिलेगा, कौशल्या को साइड पे लेगा और पचाक से उसे गले लगाएगा, फिर बोलेगा आई लव यू कौशल्या। ये कैसा प्लान है? कौशल्या को प्रपोज करूंगा तो मुझे ऐश्वर्या कैसे मिलेगी? मॉरल ऑफ द स्टोरी सुन, जब किसी भी माँ को अपने बच्चे को खाना खिलाना होता है तो बच्चा खाता नहीं नखरे दिखाता है। तो आमतौर पर माँ कहती है कि खा ले वरना पड़ोसी के बच्चे को खिला दूंगी। फिर बच्चे क्या करते हैं? खाने लगते हैं। नौ बॉल पर सिक्सर। जब कौशल्या को हक करके हक से आई लव यू बोलेगा, फिर ऐश्वर्या को एहसास होगा कि वो तुझसे प्यार कर रही है। आइडिया है दोस्त। मैंने अगर कौशल्या को प्रपोज किया और वो खुशी के मारे मुझ पे गिर गई तो मैं तो छोटा चेतन बन जाऊंगा। ये मैटर बेटर तरीके से समझाता हूँ। कौशल्या को सब कुछ पता है, उसको जलेबी फाफड़ा देकर मैंने खरीद लिया है कौशल्या अपनी टीम में। अच्छा तो बोल, श्रवण कहाँ है? क्यों, मेरी खुशी तो उससे बर्दाश्त नहीं होती। हाय श्रवण। हाय। क्या बात है मिस्टर श्रवण, आपको गर्ल्स हॉस्टल में कोई प्यारी सी सुंदर सी अच्छी लड़की नहीं मिली या उन्होंने घास नहीं डाली जो तुम फूल लेकर मेरे पास आ गए? मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे। मैडम अब शांत हो जाओ, आज एकादशी के दिन तुम्हारा प्रवचन सुनने नहीं आए, हम तो पूनम के चांद के दर्शन करने आए। आई लव यू कौशल्या, आई वॉन्ट टू बेडिंग यू, आई लव यू सो मच कौशु कौशु कौशु। अरे अरे, धीरे धीरे धीरे, छोटा सा भूकंप इस मॉल को मिट्टी का ढेर बना देगा, धीरे धीरे। हाँ, तुम मेरा दूसरा प्यार थी लेकिन इसके जाने के बाद पहला प्यार बन गई, कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरा दिल भटक गया था जो पागलों की तरह ऐश्वर्या ऐश्वर्या के नाम से फड़क रहा था, पर अब कौशल्या कौशल्या के नाम से धड़कता है। तुम्हारा दिल भी श्रवण श्रवण करके भड़कता है ना? तुम डबल एक्सेल हो तो क्या हुआ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए ट्रिपल एक्सेल है। तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, काजपाड़ा में हनीमून मनाएंगे, इतने बच्चे पैदा करेंगे कि खुद का स्कूल खोलना पड़ेगा। तुम मेरी डबल रोटी अर्धांगिनी बनोगी ना? विल यू मैरी मी कौशल? ये क्या कर रही है? लगता है पेनल्टी किक मारने वाली है, इसकी किक से मर जाएगा। उठ 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 उठ, उठना, उठ गया। I love you, Shabnu. I love you, baby. I love you, सुन, ये मुझे जलाने के लिए तुझे प्रपोज करके ड्रामा कर रहा है और तू बिना सोचे समझो से किस किए जा रही है, अकल घास चढ़ने चली गई है। मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। ओहो, तो जल रहा तेरा दिल और फाड़ रही है मुझ पर बिल। कौशल्या? हाँ, कौशल्या नाम है मेरा। नाम ऐश्वर्या तो खुद को हीरोइन समझती है, लड़के सिर्फ तुझे ही प्रपोज करेंगे। क्यों, प्यार के लिए सिर्फ तू ही बनी है क्या? मैं भी हीरोइन से कम नहीं हूँ। सुन ले, मेरे और शमनु के बीच में आने की कोशिश मत करना। मैं तुम दोनों के बीच में आऊंगी? हाँ, इतना हैंडसम प्यार करने वाला लड़का खो दिया है तो बीच क्या, तू तो समंदर में भी गोते लगाएगी। दिमाग रुक, जल कुकड़ी। जब मैंने इसे प्यार किया था तो तुमने ट्यूनर बन के मदद की थी, अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो ट्यूनर बन के मदद करने की बारी इसकी है। क्या बात है, नाम भी बड़ा ही अच्छा है, ट्यूनर ऐश्वर्या। क्या कहती हो, ट्यूनर ऐश्वर्या? ओ हो हो, क्या एक्टिंग करती हो, जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया तुमने, बहुत ही टैलेंटेड निकली तुम। यार ये तो नाटक कंपनी खोल सकती है, अपना खुद का ड्रामा करो, बहुत पैसे कमाओगी, जबरदस्त एक्टिंग करती हो। कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं थी, मेरे दिल की फीलिंग्स थी। फीलिंग्स? भाई इसको बताया नहीं अपनी गाड़ी कौन से ट्रैक पे चलने वाली? सोचा शो खत्म होने के बाद ही बताऊंगा। क्या बात कर रहे हो? झिंगर, इस पांडा से डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पप्पी से वो जल के खाक हो गई, आगे आगे देखता जा। देखिए बहन जी, इन दोनों का टाका भिड़ने के लिए आपको यूज किया, बुरा मत मानना। एक दिन ऊपर वाला तुमसे दुगनी साइज का लड़का तुम्हें देगा, इंतजार करो। अब चल सक्सेस पार्टी मनाते हैं। ए शाने, इधर आ। तूने क्या मुझे सीधी साधी अबला नारी समझ रखा है? मैं बहुत ही खतरनाक लड़की हूँ, बीच सड़क पे गोली मार दूंगी तुझे। जब से तुझे पहली बार देखा था ना, तब से तुझ पे नजर है। लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं किया क्योंकि तू मेरी फ्रेंड से प्यार किया करता था, लेकिन आज तूने सबके सामने मुझे प्रपोज किया है, शादी तो करनी ही पड़ेगी। नहीं की तो क्या करोगी? तो फिर मॉल की सीसीटीवी फुटेज निकाल कर मैं तुम पर केस कर दूंगी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। केस कर सकी? ए, गलती हमारी थी इसलिए अब तक मैं चुप था, लेकिन अब तू ज्यादा ही बोल रही है। हाथी जैसे कान खोल के सुन ले, हमने तुझे यूज किया क्योंकि हमारी मजबूरी थी, अगर इसको परेशान किया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा।
ये क्या 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 किया इसमें क्या वो किया? क्या है, अगर इसने शादी नहीं की तो मैं जान दे दूंगी और मरने से पहले ये फोटो व्हाट्सएप पे वायरल कर दूंगी। थैंक्स, बाय। सुनिए ना सिस्टर, बोलो ना भैया, आप दोनों ने अभी पप्पम पप्पी किया, मतलब सगाई तो हो ही चुकी है और जल्दी ही शादी भी हो जाएगी। मैं शादीशुदा लोगों के बीच नहीं आता। और अगर गलती से बीच में आने की कोशिश की ना तो तुझे बीच वाला बना दूंगी। ओके डार्लिंग, अब जल्दी से घर जाओ और मम्मी से बोल के शादी की डेट फिक्स करवा, मैं इंतजार नहीं कर सकती। मिल गया मेरे भाई। हा? अगले महीने की ठीक 10 तारीख को शुक्ल पक्ष में शुभ मुहूर्त है, शादी के लिए बेस्ट है। हाँ, और उसी रात को 2:30 से 3 बजे सुहाग रात के लिए बहुत ही शुभ घड़ी है, मस्त मजे कर। अरे उसके बाद मुहूर्त अच्छा नहीं है ना, देख समझने की कोशिश कर। तेरी शादी में जो जूते पहनने हैं वो थोड़े फट गए हैं, सिलवा के अभी आता हूं। रुक, ऐश्वर्या को पाने के चक्कर में कौशल्या नाम का ये काटो का सहरा मेरे सर पे डाल दिया। उससे शादी कर ली तो एलईडी टीवी जैसी जिंदगी छोटे मोबाइल जैसी हो जाएगी। यार तू दोस्त है कि दुश्मन है? अरे भाई बड़ा है तो बेहतर है, थोड़ी मोटी है लेकिन क्यूट है ना, बाइक पे बिठाएगा तभी भी बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर पे ऐसे उछलती रहेगी, अनबैलेंस नहीं होगा लाइफ के बैलेंस का। अरे भाई अगर तुझे भूख लगी है, तेरी पसंद का खाना नहीं मिलेगा तो जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा ना। ऐश्वर्या नहीं मिलेगी तो कौशल्या, कौशल्या से शादी कर ले मेरे भाई, अचार की फैक्ट्री का मालिक बन जाएगा। दिन भर उंगली से अचार चाटते रहना, खट्टा मीठा मजा आएगा ना। क्या है? तेरी पूरी जिंदगी दाल चावल के साथ अचार फ्री। तुझे अचार की कुछ ज्यादा ही पड़ी है ना। हाँ। तो जा कौशल्या से दूसरी शादी कर ले। ऐसी बातें नहीं करते झिंगुर, वो तेरी धर्म पत्नी है। कम से कम तू तो ऐसा मत बोल यार। देख मैं कह देता हूँ, सुन ले, मुझे ना ऐश्वर्या चाहिए ना कौशल्या चाहिए। मैं बैचलर रहूंगा और अपने दोस्त के सहारे पूरी जिंदगी गुजारूंगा। अब मुझे भी दे। नहीं दूंगा, अरे नहीं दूंगा, जाने यार। इस गाल पे मेरी बीवी हजारों का पेंट लगाने वाली थी, वहां इसने 250 का चूना लगाया। कैसे भी इसका सेटिंग करवाना ही पड़ेगा। ओ झिंगुर, तेरी गर्लफ्रेंड अकेली आ रही है क्या? हाँ हो सकता, पता नहीं। उसको मेरी गर्लफ्रेंड मत बोल यार, हार्ट अटैक आ जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, शांत हो जा, शांत हो जा। अब यहाँ से अंदर जाते ही तुझे घटिया वाली एक्टिंग शुरू करनी है। 2 महीने का बच्चा जैसे डायपर में सूसू करने पर रोता है, वैसे ही तू रोना, तब तेरा काम हो जाएगा और तुझे माफी मिल जाएगी। अच्छा अगर मैं रो नहीं पाया तो? सुहाग रात के बारे में सोच और सोच कि वो तेरे करीब आ रही है। अब तो रोना आ रहा है ना, चल अब यूटर्न मार, जा 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 जा। ए मम्मी, ए अंदर जाने से पहले बाहर आ गया, सुसु लगी है क्या? वो लड़की क्या हुआ, उसने मेकअप नहीं किया क्या? वो मोटी है। तू भी यार समझता नहीं, बात को आ जाता है, रात को तेरे अंधेरे को मैं उजाले में बदलता हूँ, चल आ मेरे साथ। हाय शाबाश। हेलो बेटा, जल्दी 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 जल्दी, पेट्रोल है कि नहीं इसमें? अरे पेट्रोल भी नहीं होगा तो पानी से उड़ेगी, आ जाए गाड़ी जल्दी जल्दी, निकल निकल निकल। क्या बात है बेटा, कौशल्या को मिलने के लिए यहाँ अकेले बुलाया था ना, और अब उसकी फैमिली को साथ देखकर डर कर भाग रहे हो? नहीं वो बात नहीं अंकल, एक जरूरी काम याद आ गया था तो। तुम्हें तो अब हमारे साथ चलना ही होगा। ये पुलिस वाला है क्या? इनके टेबल पर बचा कुचा खाना पड़ा है या डस्टबिन इधर खाली किया है, समझ में नहीं आ रहा। मैं हूँ पद्मनानंद, पॉइंट टू पॉइंट लोग मुझे पद्मन कहते हैं। पॉइंट टू पॉइंट मतलब आप पेंसिल की पॉइंट बनाते नहीं, हैं? नहीं मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ ना, इसीलिए वो लोग मुझे प्यार से पीपी बुलाते हैं। मेरे हिसाब से पीपी का फुल फॉर्म पापी होता है ना। ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है, तेरी तो लॉटरी लग गई। और ये मेरी पत्नी है अंबुजा पद्मन, अंबुजा अचार की मालकिन। अंबुजा अचार मैंने कभी सुना नहीं, क्या आपके वहाँ ठर्रा भी बनता है? नहीं नहीं हमारी कंपनी सिर्फ अचार बनाती है। ये मेरा बेटा है अश्विन पद्मन। गंदे हाथ दूर रखो पापा। सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट है, 6 महीने में अमेरिका शिफ्ट हो जाएगा। हेलो जीजू। हाय बेटा, ये जो तू लाइफ जी रहा है ना उसे नाइफ से काट के ही रहेंगे। और ये कौशल्या पद्मन। हेलो। जल्द ही बन जाएगी कौशल्या श्रवण। माफ करना बेटा, मुझे मजाक करने की आदत है, हमें दिल का दौरा पड़ने की आदत है। बहुत बेकार जोक था, अच्छे वाले जोक आप समझ नहीं पाएंगे। अब हम लोग पॉइंट पर आते हैं, सुनो तुम एक काम करो, तुम अपने मम्मी पापा को नाश्ते पर लाओ, उससे क्या होगा
वो हमसे और दुल्हन से मिल लेंगे ना, उसके बाद हम लोग सगाई की डेट फिक्स कर देंगे और फिर उन्हें तुम लंच पे लेके आना। तब हम लोग शादी की डेट फिक्स कर देंगे और उसके बाद हम सब कहीं बाहर डिनर के लिए जाएंगे और वहीं पर तुम लोगों की सुहागरात की प्लानिंग हो जाएगी। अब हमें चलना चाहिए। सुनो बेटा, तुम एक छोटा सा काम करोगे? क्या हुआ? जो खाया वो गले में अटक गया है, उसे डंडे से नीचे उतारना है। अरे वो मैं खुद ही कर लूंगा। तुम्हारे लिए एक दूसरा काम है, ये लो बिल प्लीज पे कर देना। ऐसे क्या देख रहे हो बेटा, बेटी के साथ इसका भी ख्याल रखना होगा। बाय डार्लिंग। जमाई राजा, ये तो शुरुआत है। ये कैसा बिल है? द्रौपदी की साड़ी की तरह खत्म ही नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे? हाय डार्लिंग, इस महीने की 20 तारीख को शादी का शुभ मुहूर्त है। शादी रात को 9 बजे होगी और फिर रात को 2 से 3 बजे सुहागरात का मुहूर्त है। मुझे सब मंजूर है, तुम्हें मंजूर है ना? ए, ये क्या है, बार बार पप्पम पप्पी करती है, पप्पी के नीचे ये दब जाएगा। अरे भाई, ये सब भूल गए हो क्या? व्हाट्सएप इमेज, सुसाइड ड्रामा, सुप्रीम कोर्ट। हाय, उससे बचने के लिए ऑक्सीजन मास्क लगा लूंगा, ग्लूकोज चढ़ा लूंगा, इंजेक्शन लगवा लूंगा, लेकिन ये प्लान काम तो करेगा ना? वो चार लोगों की अचार बनाने वाली फैमिली तुझे ढूंढ ही रही होगी, ढूंढ के तेरा अचार बनाने के लिए। लेकिन ये जगह तो जेल से भी सेफ है, मैं तो कहूँगा सेफ जोन। लेकिन मुझे ढूंढने के लिए वो मेरे घर भी तो जा सकते हैं। मैंने फोन करके उनको बोल दिया, मीटिंग के बाद तुम बेहोश हो गए और सीधा तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया हूँ और यहाँ तुम्हें 6 महीने रहना पड़ेगा। प्लान सुपर हिट होगा ना? अरे सुपर डुपर हिट, वो पुराने ख्यालात के लोग हैं, अंधविश्वास पे विश्वास जरूर करते होंगे। जैसे ही हॉस्पिटल वाली बात सुनेंगे तुरंत शादी का प्लान ड्रॉप कर देंगे। श्रवणु, कैसे हो तुम? आओ बैठो ना। अरे क्या आओ आओ करके बुला रहा है, जैसे शाहरुख कबूतरों को दाना दे रहा था। ये शादी करने आई क्या? ए डिस्टर्ब मत करो, जाओ जाओ। आइए आइए सब आइए, देखिए आपके दामाद जी यहीं पर हैं। अरे नहीं नहीं, सुहागरात वाला बेड नहीं है ये, मिस्टर पापी एंड फैमिली। आप बोर होते तो गोटियां खेलते और वहाँ से खाना खाने चले जाते हैं और बिल हमसे भरवाते हैं। लेकिन आप समझ जाइए, यहाँ से चले जाइए, क्योंकि पेशेंट को बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसे कैसे चले जाए, हम अपने दामाद से मिलने के लिए बहुत दूर से आए हैं। मिलने का शौक है तो बगल में मेंटल वार्ड भी है, वहाँ जाके भर्ती हो जाओ। सुनो, ज्यादा बकवास मत करो, हम यहाँ डिस्टर्ब करने नहीं आए हैं। हम विजिटिंग आज में कौशल्या और श्रवण की शादी की बात करने आए हैं। सही कहा ना अंकल? बिल्कुल सही कहा। ये अस्पताल है, तुम्हारे आचार की दुकान नहीं है। ये पापी, जब से ये तुम्हारी बेटी को मिला है ना, सर से पांव तक इसकी जिंदगी में रायता फैल गया है, वो भी फफूंदी वाला। अब शगुन हो गया। बीबी अंकल, जल्दबाजी मत कीजिए, इसकी बातों में आकर उल्टा सीधा मत सोचिए आप। शादी कैंसिल करने की जरूरत नहीं, इसे कुछ नहीं हुआ है, देखिए ये बिल्कुल ठीक है, हट्टा कट्टा है। मुझे पता है बेटा, इस पर तो प्यार का बुखार चढ़ा है। जब तक इनकी शादी नहीं होती और इन्हें हनीमून पर नहीं भेजते, ये तब तक बीमारी रहेगा। कौशु, तुमने अपना प्यार पाने के लिए मेरा कितना गलत इस्तेमाल किया ना? भूल जाओ ना ऐशु, तुम भी तो खूबसूरत दिखती हो, तुम्हें भी शबनु जैसा दूल्हा ही मिलेगा। हेलो, चुप करो, किसी ने किसी का इस्तेमाल नहीं किया, कुछ भी खुचोड़ खुचोड़ कर रहे हो एक दूसरे के सामने।